मूवी की शुरुआत में न्यूज में कहा जाता है कि एक जेल में भागदौड़ मची हुई है और एक जिमी नाम का आदमी एस्केप हो गया है। कहा जाता है कि उससे दूर ही रहे, वो बहुत भयानक है। फिर दूसरे सीन में एक एम्बुलेंस में खून से लथपथ एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जिसको डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब एम्बुलेंस का दरवाजा खोलते हैं वो एक भयानक ज़ॉम्बीज़ बन सबको काट रही होती है। नेक्स्ट सीन में जनरल बोलता है कि दुनिया में एक वायरस फैल रहा है जिससे सभी ज़ॉम्बी बनके सबको काट रहे हैं। ये एक वॉर है जिसके बारे में इतिहास बोलेगा। एक जमाना था जब लोग नाम जात जाति मजहब के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे, बट ये वाला वार सबसे भयानक होगा। ये ऐसी वार है जो मरे हुए लोग और जिंदा लोगों के बीच है। तभी मूवी का टाइटल डिस्प्ले होता है रेडकॉन। एक जनरल अपने सभी सिपाहियों को इस वायरस का अंदेशा देता है। वो कहता है कि ये वायरस सीधा दिमाग पे अटैक करता है। थोड़ी देर में उल्टी बुखार सर्दी खांसी और कंप्लेंट्स होने लगती है और वो इंसान वायलेंट होने लगता है। ये वायरस साइंटिस्ट जूलियन ने शुरू किया। वो एक जिमी नाम के कैदी पर रिसर्च कर रहा होता है। तब जेल में जो भागदौड़ होती है उसमें वो अपने बेस्ट फ्रेंड गर्विक को अपनी चैन देकर बाहर एस्केप होने में हेल्प करता है। एस्केप होने के बाद पुलिस जिमी का पीछा कर उसको पकड़ने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए कार में बैठे प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ के गन शूट करने को धमकाता है, पर वो लड़की उसके हाथ में काट के पुलिस की ओर भाग जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ है। अब जिमी के पास का वायरस उस लड़की के पास फैल गया और तेज हवा की तरह सिटी में फैलने लगा। इस वायरस का ओरिजिनेटर वो साइंटिस्ट जूलियन क्वारंटीन जोन में फंसा हुआ, उसको लाके वैक्सीन लेना ही इस मिशन का गोल है। एक बोट की मदद से वो क्वारंटीन जोन की तरफ जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। रास्ते में सिर्फ खून भरी डेड बॉडीज ही नजर आती। रोड के उस साइड बहुत सारे ज़ॉम्बी बच्चे नजर आते हैं। ज़ॉम्बीज अपने रूटीन कभी नहीं भूलते। बच्चे भी एक दूसरों की तरफ खेल रहे होते हैं पर वो जिस तरह डेड बॉडीज से फ्लैश खाते हैं ना, बहुत भयानक होता है। वो सारे बच्चे जॉगिंग स्किपिंग कर रहे होते हैं। उनकी आहट सुन बहुत सारे ज़ॉम्बीज भागे आते हैं। ये सोल्जर्स भी अपनी गन से फुल अटैक कर रहे होते हैं पर ज़ॉम्बी भारी तादाद में भागे आ रहे होते हैं। खुद की जान बचाए सोल्जर्स दूसरी ओर भाग जाते हैं। वहाँ एक गाड़ी नजर आती है। चलाने से बेहतर गाड़ी का ही यूज करना सेफ होगा, ये सोच सभी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग एक घर से कुछ चुराते हुए नजर आते हैं। वो आदमी सोल्जर्स की तरफ गन शॉट करने वाला होता है कि सोल्जर्स ही उसे मार देता है। अब ये स्क्वाड टीम उस क्वारंटीन स्पॉट की ओर चलते हैं। वहाँ उस बिल्डिंग में एक मिलिट्री जनरल बहुत सारे ज़ॉम्बीज पर टेस्टिंग कर रहा होता है। उस ज़ॉम्बीज में से एक है एक छोटा बच्चा जो उसका खुद का बेटा है। फाइनली ये स्क्वाड टीम उस क्वारंटीन बिल्डिंग को फाइंड लेती है और अंदर जाने पे मालूम होता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज ड्रग्स लेके मजे ले रहे होते हैं। अब ये सोल्जर्स भी एक एक करके सबको शूट करते हुए अंदर जाते हैं। उस गन शॉट्स की आहट से सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए इन लोगों की ओर आते हैं। ये लोग शूट करने में डटे हुए हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बीज उनके स्क्वाड के एक आदमी पे अटैक करता है। वो अपनी लाइफ का बिना सोचे बिना सबको बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के साथ अकेले चले जाता है। स्क्वाड टीम सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके इस इन्फेक्टेड स्क्वाड पर्सन को लेके साइंटिस्ट के रूम की ओर चलते हैं, पर वहाँ उनको सरप्राइज मिलता है। साइंटिस्ट वहाँ से पहले से भाग चुका होता है। स्क्वाड टीम का हर कोई उस इन्फेक्टेड पर्सन को बचाना चाहता है। वो सोचते हैं अगर हम साइंटिस्ट को ढूंढ लेते तो उसके पास से वैक्सीन लेके इसको बचा सकेंगे। फ्रैंक नाम का एक स्क्वाड टीम का आदमी कहता है कि ये ठीक नहीं है, एक इन्फेक्टेड पर्सन को साथ ले जाना खतरे से कम नहीं। ये कह के वो उसको शूट करने ही वाला होता है कि टीम के दूसरे लोग फ्रैंक पर ही गन पॉइंट कर देते हैं, पर वो इन्फेक्टेड पर्सन फ्रैंक की बात मान के गन से खुद को ही शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन पे दो स्कूल पढ़ने वाली छोटी लड़कियां रोड पे चल रही होती है। वो सारे ज़ॉम्बीज को मरा हुआ देख धीरे धीरे डर डर के क्वारंटीन स्पॉट से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। जेल से एस्केप हुए सारे कैदी एक ग्रुप बना लेते हैं और उस जगह पे उनका ही रूल चलता है। इनके गैंग का एक आदमी को ही मिलिट्री स्क्वाड शूट करता है। गैंग लीडर उस मिलिट्री स्क्वाड पे बहुत गुस्से में होता है। अब दूसरों से कहता है कि उस मिलिट्री स्क्वाड को वो इस क्वारंटीन जोन से जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिलिट्री स्क्वाड को साइंटिस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ लास्ट वीडियो मिलता है जिसमें वो कहता है कि इन्फेक्टेड आर्मी सोल्जर्स उसकी जगह पे अटैक कर रहे हैं और सभी जिंदा लोगों को वहां से ले जा रहे हैं। अब उस साइंटिस्ट को फाइंड करने की जगह वो ज़ॉम्बी आर्मी है। दो लड़कियां खुद की जान बचाने के लिए एक शॉपिंग मार्केट में छुप जाती हैं। कुछ आहट आने पे देखती हैं कि वो साइंटिस्ट वहां कुछ खाने के सामान लेने आया। आर्मी स्क्वाड उस ज़ॉम्बी सोल्जर्स को ढूंढते हुए चलते जाते हैं। एक जगह उन्हें बहुत गंदी स्मेल आती है। जब देखते तो वहां डेड बॉडीज का ढेर पड़ा हुआ है। पीछे देखा तो ज़ॉम्बीज आर्मी वहां आर्म्ड गाड़ियों में आने लगती है। स्क्वाड टीम सोचती है कि उनके पास ज्यादा हथियार है, इनसे लड़के गोलियां बर्बाद कर नहीं सकते। ये सोच सभी उन डेड बॉडीज के साथ ही लेट जाते हैं। उन आर्मी ज़ॉम्बीज में से एक आदमी इन डेड बॉडीज के करीब आता है और एक आर्मी स्क्वाड पेरी नाम के एक आदमी को खींच लेता है। वो स्क्वाड वाला मैप ट्रैकिंग की एक्टिविटी कर रहा होता है। अब थक के जो ज़ॉम्बीज इन्होंने देखे सारे बिना अक्ल वाले सिर्फ वायलेंट ही थे, पर ये वाले ज़ॉम्बीज में अच्छी कम्युनिकेशन थी जो खुद के रूल्स फॉलो करते हुए एक्चुअल आर्मी की तरह होते हैं, क्योंकि यही उनके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ होता है। सब लोगों को एक कंटेनर में डाल के धकेलने लगते हैं। उसी कंटेनर में वो स्कूल की लड़की और साइंटिस्ट भी मौजूद है। ये नजारा वो पेरी नाम का स्क्वाड टीम मेंबर अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि वो साइंटिस्ट इसी क्राउड में है। ये सुन वो स्क्वाड टीम ज़ॉम्बीज आर्मी की ओर चिल्लाता है। ये आर्मी स्क्वाड बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह ड्रेसअप होकर कंटेनर के एंट्रेंस में खड़े ज़ॉम्बीज को मार के अंदर जाते हैं और एक सोल्जर को गन दिखाते हुए वो आगे आने से मना कर देते हैं। फिर एक सोल्जर गोली मारने के नाटक कर उस साइंटिस्ट को घुमा देता है। अब साइंटिस्ट को पकड़कर दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं। तब उस स्कूल की लड़की कहती है कि उसे ही क्यों ले जा रहे हो, हमें भी लेके जाइए। तब वो स्क्वाड टीम ठीक है आ जाइए कह के सबको बाहर ले जाते हैं। साइंटिस्ट की पॉकेट में एक ट्रैकर डाल देते हैं। स्क्वाड टीम मेंबर फ्रैंक कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ साइंटिस्ट को बचाना ही था, तुम सबको बचाने का सोच गलत कर रहे हो। गन शूटिंग की आवाज सुन सारे ज़ॉम्बीज आर्मी आ जाते हैं और सब नॉर्मल लोगों पे शूट करने लगते हैं। अब दोनों आर्मीज के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट को बचाना ही हमारा मिशन है, इसको बचाने से ही वैक्सीन मिल सकती है। ये सोच थोड़े स्क्वाड के मेंबर उस साइंटिस्ट को लेके जंगल में चले जाते हैं। फ्रैंक सबको झूठ बोल देता है कि कैप्टन भी सबके साथ मारा गया। अब हम
साइंटिस्ट को कोई सेफ जगह ले चलता। इस तरह कैप्टन सबको बचाने में अकेला डटा हुआ। ज़ॉम्बीज़ उस बड़ी वाली स्कूल लड़की पे अटैक करने लगते हैं और वो छोटी लड़की उसे पीछे से मार रही होती है। अब स्क्वाड की लेडी मेंबर उस लड़की को बचाने एक पत्थर लेके ज़ॉम्बी के सर पर जोर से मार के सारा खून पोंछ छोटी लड़की को अपने साथ ले चलती है। एक और टीम मेंबर कैप्टन से कहता है कि प्लीज आप सब चलिए, मैं इन ज़ॉम्बी से डील कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में एक कपल स्क्वाड टीम जो साइंटिस्ट के साथ है उनसे हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि उनकी कार ब्रेक डाउन हो चुकी है। फ्रैंक को ये देख बहुत इरिटेट हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे उस लड़की पे गोली चला देता है और लड़के पे गोली चलाने वाला होता है कि पीछे से रिवर्स नाम के स्क्वाड टीम पूछता है कि अब वो क्यों इनोसेंट लोगों पे बेरहमी से गोली मार रहा है। फ्रैंक जवाब देता है कि हम मिशन साइंटिस्ट पर हैं, ये एक वॉर है, इसमें हमारे मिशन के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। इस बात में दोनों स्क्वाड टीम मेंबर में लड़ाई होने लगती है। दूर से नजारा वो चोर का गैंग देख रही होती है। इस मौके का फायदा उठा के वो सबको मार देना चाहते हैं, पर रिवर्स अपनी जान दे के सबको उस जगह से हट जाने का इशारा दे देता है जिससे सभी की जान बच जाती है। साइंटिस्ट उसकी लैब ले जाता है और कहता है कि यहाँ उसकी टेस्टिंग होती है। पीछे से फ्रैंक जोर से साइंटिस्ट पे किक कर देता है और कहता है कि इस साइंटिस्ट की वजह से ही हमारे स्क्वाड टीम वालों को उनकी जान खोनी पड़ी। अब दूसरा वाला साइंटिस्ट भी गुस्से से मारने लगता है। कैप्टन स्क्वाड उस ट्रैकर की हेल्प से वहां पहुंचता है और ये साइंटिस्ट को मार खाते हुए नजारा देखता है। फिर सोचता है कि मुझे ज़ॉम्बीज के बीच अकेला छोड़ा है ये साइंटिस्ट के साथ ये हरकत कर रहा है। फ्रैंक उस छोटी बच्ची को देख फिर से चिढ़ जाता है और कहता है हम जो मिशन पे आए हैं अगर उसी पे फोकस करते तो हमारे टीम मेंबर्स ना मरते, तुम एक अच्छे कैप्टन ही नहीं हो। ये सुन कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो फ्रैंक को एक रूम में बंद कर देता है, फिर साइंटिस्ट के साथ अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। साइंटिस्ट कहता है कि उसने ही म्यूटेटेड एग फाइंड किया है जिसे आर्मी सोल्जर्स में इंजेक्ट करने से उनको ज्यादा शक्ति मिलेगी। उसकी ये सोच होती है, वो सारे जख्मी सोल्जर्स के बदन में इंजेक्ट करता रहता है, इसलिए वो इन्फेक्टेड आर्मीज कंप्लीट ज़ॉम्बीज में नहीं बदलती, उनके जेनेटिक्स में कुछ बदलाव आ जाता है। इसका वैक्सीन उसने जिमी नाम के कैदी में इंजेक्ट किया था पर जेल में चले भागदौड़ के बीच में बच गया था। जब वो पुलिस से बचने प्रेग्नेंट लेडी पे शूट करने की कोशिश करता है उस लड़की के काटने से गलती से उस लड़की में इन्फेक्शन फैल के ये दुनिया ही इस भयानक हाल में खड़ी हुई है। वो प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं उस कैप्टन की बीवी है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों मर गए। यहाँ किरा नहाते वक्त उसको एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज़ को मारते वक्त उसका खून शायद मेरे मुंह में गया होगा, शायद मैं भी ज़ॉम्बीज़ बन सकती हूँ। ये बात वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है। तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूँ ये कह वो किरा को किस करके खुद को इन्फेक्ट कर लेता है। छोटी बच्ची सोते वक्त बुरा सपना देख चीख के उस कैप्टन के गले लग जाती है। कैप्टन को भी उस बच्ची से अपनापन सा महसूस होने लगता है। कैप्टन फ्रैंक के पास जाके कहता है कि हम जो मिशन पे आए हैं उसी पे फोकस करते हैं, बेहतर इसी में है कि हम बिना लड़े काम करें। इधर किरा और उसका बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। उसको यकीन था कि साइंटिस्ट के पास जरूर वैक्सीन होगी जिससे वो बच सकते हैं। पीछे ही कैप्टन आ जाता है और कहता है कि साइंटिस्ट को छोड़ दो। साइंटिस्ट भी कह देता है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इतने में वो चोरों वाली गैंग इन पे अटैक करने लगती है। फिर दोनों तरफ शूटिंग शुरू हो जाती है। स्क्वाड टीम धीरे धीरे एक कार में घुसने लगती है। आखिरी में फ्रैंक छूट जाता है। फ्रैंक सोचता है कि कोई उसे नहीं बचाएगा पर कैप्टन उसकी लाइफ रिस्क करके उसे बचा के सभी दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद किरा और उसका बॉयफ्रेंड कार से उतर जाते हैं। फिर दोनों ही सोचते हैं कि हमने अपनी सारी जिंदगी आर्मी के लिए गुजार दी, थोड़े आखिरी पल अपने लिए जीते हैं। दोनों ड्रेस चेंज करके थीम पार्क में कपल्स की तरह चल रहे होते हैं। जनरल को इन्फॉर्म किया जाता है कि साइंटिस्ट पकड़ा गया। वो एक हेलीकॉप्टर में उस जगह पहुंच जाता है। उस वक्त साइंटिस्ट अपनी पॉकेट से एक छोटी बुक निकाल के कैप्टन को ये कह देता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो ये बुक काम आ सकती है। जनरल पहुंचते ही फ्रैंक को एक निगाह से देखता है। फ्रैंक इमीडिएटली कैप्टन के हाथ से गन खींच लेता है। जनरल साइंटिस्ट के करीब जाके उसके माथे पे सीधे गोली मार देता है। इसकी वजह से मेरा बेटा आज जिंदा नहीं है। सबको फुल शॉक हो जाता है। कैप्टन सोचता है कि ये साइंटिस्ट ही अब बिगड़ा हुआ काम ठीक कर सकता था पर जनरल ने सब कुछ खराब कर दिया। पैरी के पास रिसर्च वर्क लेके वहां से चला जाता है। कैप्टन उस जनरल से पूछता है एटलीस्ट इस छोटी बच्ची को लेके जाइए, बट जनरल उसे ले जाने से भी इनकार कर देता है। फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है कि जनरल सब कुछ छोड़ के जा रहा है, बट बाजू के सोल्जर्स फ्रैंक के पांव पर गोली मार देते हैं। फ्रैंक को हाथ से सपोर्ट दिए कैप्टन उसकी मदद कर रहा होता है। सब ज़ॉम्बी से भाग अपनी जान बचा रहे होते हैं, तभी छोटी बच्ची के हाथ से उसकी डॉल गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उस पे अटैक कर देता है। फिर भी वो किसी तरह हाथ छुड़ा के कैप्टन के साथ आ जाती है। फ्रैंक सबको जाने को बोल ज़ॉम्बीज को एक एक कर शूट करता रहता है, पर सारे ज़ॉम्बीज फ्रैंक पे पूरी तरह से अटैक कर देते हैं। अब बाहर आते ही कैप्टन पैरी को मारने लगता है। ये कहता है कि सभी ने पीठ पीछे बातें छुपा दी, पर अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगने लगता है और कैप्टन उसे छोड़ चलता है। थोड़ी देर बाद छोटी बच्ची पूछती है कि क्या आप मुझे भी छोड़ देंगे। तभी कैप्टन नोटिस करता है कि उसके हाथ में ज़ॉम्बी का कटा हुआ निशान है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों एक जगह रेस्ट करने लगते हैं। कैप्टन को सपने में उसकी वाइफ उसका बच्चा नजर आता है। आंखें खोल देखता है वो छोटी बच्ची ज़ॉम्बी बन कैप्टन पे अटैक कर देती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो बस एक सपना था। ऐसा नहीं होगा, फिर भी पूछता हूँ, अगर आप ज़ॉम्बीज वर्ल्ड में स्टक हो जाएं और एक ज़ॉम्बीज बच्ची से आपको मदद लेनी हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वो धीरे से उठ उस बच्ची को गोली मार देने का सोचता है, पर दिल नहीं मानता इसलिए उसे अकेला वहां छोड़ देता है। यहां पैरी को सर्वाइवर टीम चेक करती है और पहचान लेती है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए अपने साथ ले चलते हैं। कैप्टन कार स्टार्ट कर रहा होता है। कार स्टार्ट करने की आवाज से वो बच्ची कार के पीछे आके रुक जाती है। उस बच्ची के पीछे एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है। कैप्टन को उस बच्ची से इस कदर लगा हो जाता है कि वो फिर से उस बच्ची को बचाने के लिए उछल पड़ता है। कैप्टन उस बच्ची से सॉरी कह के कहता है कि वो उस लड़की को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इतने में वहां चोरों वाली गैंग आ जाती है। मिलिट्री जनरल की मीटिंग होती है। वो बातें कर रहे होते हैं कि
जॉम्बीज के स्पॉट को बॉम्ब डालना होगा तभी ये इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। पर वो जनरल मना कर देता है। हमने उस साइंटिस्ट की मदद से उन आर्मी सोल्जर्स पे इसलिए टेस्टिंग की थी ताकि वो एक्स्ट्रा पावर स्किल्स के साथ रहे। वो प्लान अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। जॉम्बी आर्मी हमारी आर्मी से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उस जॉम्बी आर्मी को मारे बिना सिर्फ कंट्रोल करने में ही डेस्क के लिए ठीक होगा। पर दूसरे लोग कहते हैं कि इंसानों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉम्ब डालने का प्लान रोकना चाहिए। चोरों की गैंग उस कैप्टन को एक मुर्गी को ग्रिल किए जैसा टांगे हुए हैं। चोर गैंग लीडर कैप्टन से पूछता है कि वो यहाँ किस लिए आए हैं। ये मिलिट्री मिशन है, इसे सीक्रेटी रखा जाता है, कह देता है तुम सब मिलिट्री के लोग ऐसे ही होते हो, हर एक कैदी में कुछ न कुछ रिसर्च कर रहे होते हो। उस बच्ची को देखो, उसे मार देना चाहिए, वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। पर कैप्टन कहता है कि उसे छोड़ दो, मत मारो। अब गैंग लीडर उस कैप्टन को गन देके कहता है इधर तुम जिंदा रह सकते हो या वो लड़की, डिसाइड तुम कर लो। अब वो खुद कोई शूट करने वाला होता है। ये देख वो चोर हाथ से गन ले लेता है और उस छोटी बच्ची के हाथ में दे देता है। हाथ में गन ले वो कैप्टन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो कैप्टन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, कैसे भी मैं मरने वाली हूँ। चोर उस बच्ची के गले में एक चेन देख के पूछता है कि ये चेन कहाँ से मिली। वो कहती है कि ये उसके डैडी ने उसको दिया। फिर चोर पूछता है कि उसके बाप का नाम क्या है। जिमी। जिमी का नाम सुनते ही वो उस बच्ची को हाथ में ले सबको कहता है कि ये हमारे जिमी की बेटी है। जिमी का बेस्ट फ्रेंड ही गैंग का लीडर होता है। यहाँ जनरल बहुत परेशान है बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान से, क्योंकि उसका खुद का बेटा ही जॉम्बी है। वो अपने बेटे को गोली मार देता है। जॉम्बी आर्मी को वो अपने कंट्रोल में ला सकता है ये प्रूव करने के लिए खुद को ही जॉम्बी इंजेक्शन ले लेता है। चोर उस कैप्टन को वहाँ पे स्टे करने को कहता है। उनके पास खाने पीने की हर चीज है। कैप्टन कहता है कि ज्यादा दिन हम वहाँ नहीं रह सकते, बिल्कुल ही सेफ नहीं है, वहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। फिर वो एक मैप दिखाकर कहता है कि 20 माइल्स की दूरी पर एक बॉर्डर है, वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, क्वारंटीन जोन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैप्टन कहता है कि बॉर्डर के आसपास बहुत लोग होंगे, उनके जरिए हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। कैप्टन उन चोरों को भी बुलाता है पर वो जवाब देते हैं कि हम जेल के कैदी हैं, कैसे भी बॉर्डर उस पार करके हमें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा, उससे बेहतर है हम ज़ॉम्बीज़ के बीच ज़ॉम्बीज़ की जिंदगी जिए। कैप्टन और वो बच्ची वहाँ से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में कार रोक के वो उस वॉकी टॉकी से अपने आने की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है और फिर उस छोटी सी बच्ची के साथ खेलने लगता है। खेलते वक्त वो उस बच्ची के हाथ में देखता है कि जो ज़ॉम्बी के काटने से निशान बना था वो बिल्कुल ही सूख चुका है। ये देखो सरप्राइज हो जाता है और वो साइंटिस्ट की दी हुई बुक को खोल देता है। उसमें साइंटिस्ट ने मेंशन किया है कि वो बच्ची ही इस हॉरर का वैक्सीन है। नेचुरल इम्यूनिटी होने के कारण हमने जिमी को वैक्सीनेशन के लिए चूज किया था, उसकी बेटी ही इस बीमारी की वैक्सीन बनेगी। इसको सेफ करने के लिए ही साइंटिस्ट उस बच्ची के पीछे ही रहा होगा। किसी भी तरह मुझे इस बच्ची को क्वारंटीन जोन से बाहर ले जाना पड़ेगा। वॉकी टॉकी की मदद से कैप्टन जनरल को इन्फॉर्म कर देता है कि वैक्सीन फाइंड हो चुकी है, जिसे जनरल जवाब देता है कि थोड़ी देर में क्वारंटीन जोन को बॉम्ब से ब्लास्ट करने वाले हैं, तुम वैक्सीन फाइंड करो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुन कैप्टन आग बबूला हो जाता है और बॉर्डर की ओर चलता रहता है। कैप्टन का हाथ छोड़े वो बच्ची भागने लगती है, तभी उसने वहाँ जमीन पे हाथ पैर कटे हुए ज़ॉम्बी को देखा। कैप्टन समझने लगता है कि उस जगह ज़ॉम्बी न आए इसलिए वहाँ थोड़े बॉम्ब खोद के रखे गए हैं। थोड़ी देर में वहाँ फुल ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, वो उस जगह में फंस जाती है। कैप्टन उसे बचाने धीरे धीरे उसकी ओर आ जाता है। ज़ॉम्बीज उस बॉम्ब से फटने लगते हैं। ये नजारा दूर से देख सर्वाइवर टीम इन दोनों को बचा के ले जाती है। कैप्टन सबसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इधर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, पर कोई भरोसा ही नहीं करता। तुम्हारी बात पर यकीन कर 200 से ज्यादा लोगों को ज़ॉम्बी के बीच से नहीं ले जाया जा सकेगा, आर्मी हमें बचाने आएगी। कैप्टन पूछता है इतने दिनों में आप सब यहाँ हो, क्या किसी ने रिस्की फ्लाइट देखी है? आर्मी का मिशन है ज़ॉम्बीज को मिटाना। इस बीच हम जैसे लोग अगर मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने वैक्सीन फाइंड कर लिया, किसी को यकीन करना है करे, मैं बॉर्डर की ओर जा रहा हूँ। वो सोचती है कि इसके हाथ से जाना ही सेफ होगा। बाहर आके देखा तो ज़ॉम्बीज का ढेर है। अब नॉर्मल लोग और ज़ॉम्बीज में घना युद्ध जैसा हो चुका है, पर ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से वो डोमिनेटिंग साइड में थे। एक टाइम ऐसा था जब कोई ज़ॉम्बीज उस बच्ची पे अटैक करने वाला होता है। कैप्टन उसे बचाने चलता है पर एक ज़ॉम्बी कैप्टन के शोल्डर पे जोर से बाइट कर देता है। वो बच्ची को लेकर एक रूम में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो इन्फेक्ट हो चुका है और थोड़ी देर में वो भी एक ज़ॉम्बीज बन जाएगा। वो उस बच्ची को बाहर जाने को कहता है पर वो बच्ची वहाँ से बिल्कुल ही नहीं जाती। थोड़ी देर में कैप्टन ज़ॉम्बी बन उस बच्ची का गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। छोटी बच्ची कहती है कि मुझे मत मारिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। ये सुनते ही उस कैप्टन को सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, वो उसे छोड़ चला जाता है। वो सब लोगों के साथ बॉर्डर की ओर आता है। उस तरफ जनरल उसे देख कहता है सबको मार दिया जाए। पैरी आगे आके कहता है कि प्लीज जनरल की बात मत मानिए, एक टाइम तक मैं भी इस जनरल के नीचे ही काम करता था पर उसने हम सबको बीच रास्ते में छोड़ दिया। मेरे पीछे बहुत सारे साधारण लोग हैं जो जान बचाने की उम्मीद से आए हैं। इसका सेंटिमेंटल स्पीच सुन सोल्जर्स शूट करने स्टॉप कर देते हैं पर जनरल को गुस्सा आ जाता है और शूट कर देता है। इतनी देर से कैप्टन साइलेंट होता है और जनरल की हरकतें देख उसे पुराने सीन्स आंखों में सामने आने लगते हैं। वो तेजी से भाग जनरल पे अटैक करने लगता है। अब जनरल भी ज़ॉम्बी में बदल दोनों में लड़ाई होती है। कैप्टन जनरल के सर को इस तरह उलटता है जैसे एक एक्शन मूवी में किया जाता है। कैप्टन वायलेंट होते ही खुद पे काबू नहीं कर पाता और बाजू वाले सोल्जर्स को काट देता है। ये देख सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। ज़ॉम्बी को मारने के लिए सर पे ही मारना पड़ता है। पैरी पूरी श्रद्धा से कैप्टन के सर पे गोली मार आगे बढ़ जाता है। यहाँ से मूवी खत्म हो जाती है। तो आप सबको